हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। 10,850 के ऊपर गया तो 11,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आज 10,850 के ऊपर गया, लेकिन अगर आप देखो तो सस्टेन नहीं किया, क्योंकि ओवरऑल आज अगर आप ट्रेडिंग सेशन में देखो तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक था मॉर्निंग से ही। मैंने टेलीग्राम चैनल में पहले ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी वीक लग रहा है 22,400 22,500 के लेवल्स पे। आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल में क्लियरली बताया था 22,400 के नीचे बेरिश लग रहा है, और मेरे सारे स्टूडेंट्स ने ट्रेड किया और मैंने भी काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया उसमें, तो आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो। निफ्टी हम लोग का स्टॉप लॉस हुआ है 10,850 पे बाई किया था, 10,810 का स्टॉप लॉस हुआ है 40 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 400 पॉइंट्स कैप्चर किया, 22,400 पे शॉर्ट किया, 22,150 के आसपास हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी अभी भी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, अगर आप देखें तो निफ्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, निफ्टी अभी भी यह ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है। 10,600-700 जब तक नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश ही रहेगा। निफ्टी मुझे स्ट्रांग लग रहा है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज रहे, कंसोलिडेट करे, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्रेकआउट देने से पहले कंसोलिडेट करता है, साइडवेज रहता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है। यहाँ से मुझे ज्यादा बड़ा फॉल नहीं लग रहा, 10,700-750 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो वापस ऊपर जाने के चांसेस है। अगर 10,700 टूटता है तो हमें 200-300 पॉइंट का फॉल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखें 22,000 मैंने आपको बोला था, 22,000 टूटता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है 500-700 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में अब 21,700 ये बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर आप देखो ये बैंक निफ्टी में 21,700 वाला लेवल, ये बहुत क्रूशियल लेवल होगा। 21,700 अगर टूटता है तो 600-700 पॉइंट का करेक्शन हमें और देखने को मिल सकता है। 21,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अगर 21,700 लेवल टूटता है तो। सो बैंक निफ्टी में यहाँ से 200-300 पॉइंट का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। 21,700 अगर टूटा तो 21,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनआईटी टेक बाय दिया था 1600 के ऊपर, आज मॉर्निंग में 1600 के ऊपर ही ओपन हुआ और उसके बाद हमारा जो टारगेट था टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद फॉल आया। आई एम श्योर आप लोगों ने इसमें काफी अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि 1630 तक जाके आया, 1600 पे मैंने इसको बाय दिया था। कमिंस इंडिया मैंने सेल दिया था आपको 390 के नीचे, 390 के नीचे गया, लेकिन उसके बाद 2-3 रुपया ही इसमें मिला, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला लेकिन स्मॉल प्रॉफिट मिला इसमें। और एसीसी मैंने सेल दिया था 1305 के नीचे, लेकिन इसमें सेल ट्रिगर ही नहीं हुआ है, तो एसीसी का ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, अगर 101-102 लेवल्स टूटता है तो इसमें 4-5 रुपए का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। तो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, बट कैनरा बैंक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, अगर आप देखो आईसीआईसीआई बैंक ने एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन किया है और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ किया है। यहाँ से 340 तक के लेवल्स इसमें इजीली पॉसिबल है, सो एक 10-15 रुपए के मूवमेंट के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं इसमें ऑन द डाउन साइड। आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। लास्ट स्टॉक होगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल मुझे यहाँ से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगर आप देखो तो ये बार बार ये लेवल इसने टेस्ट किया, ये देखो बार बार। अब मुझे लगता है अगर यहाँ से निकला तो ये 620-640 इजीली पॉसिबल है, तो भारतीय एयरटेल इंट्राडे के लिए और पोजिशनल दोनों के लिए काफी अच्छा बाय रहेगा 640 के टारगेट के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप इतना सिंपल एनालिसिस करते हो, आप बाकी सारे इंडिकेटर्स यूज करते हो नहीं करते हो वगैरह वगैरह, आप जरा बताओ अपना सिस्टम बताओ कैसे यूज करते हो आप। तो मैं आपको अगर इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं एडवांस चीजें यूज नहीं करता, ठीक है। आप मेरा सिस्टम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बोलिंजर बैंड लगाया हुआ है, मूविंग एवरेजेस लगाई हुई है 11, 13, 5, 10, आप देख सकते हो 200 भी लगाया हुआ है। इचिमोको भी यूज करता हूँ मैं और वीवैप भी यूज करता हूँ, पैराबोलिक चार्ट भी यूज करता हूँ, आप देख सकते हो। सो ये सब इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूँ, और इनफैक्ट अगर आप देखो तो मैं ये सब इंडिकेटर्स भी यूज करता हूँ, RSI, DMI, MACD, स्टोकास्टिक, CCI, प्लस इसके अलावा मैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी करता हूँ, और मैं ट्रेड करता हूँ सिर्फ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में,
मेरे स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पता है और आपने भी मेरे हर एक वीडियो में एक नोट पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट नोट, वी ट्रेड ओनली इन ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो हम लोग नेकेड फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं करते, हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटजीज में करते हैं। फ्यूचर में भी अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग ऑप्शन के साथ हेजिंग करके करते हैं। तो ये मेरा सेटअप था। कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप सिर्फ ट्रेंड लाइन करते हो तो आप बाकी सारे इंडिकेटर्स यूज नहीं करते, तो आप अपना सिस्टम दिखा दो। तो इसलिए मैंने मेरा थोड़ा सिस्टम दिखाया। मैं बहुत एडवांस लेवल के इंडिकेटर्स यूज करता हूँ और अलग तरीके से यूज करता हूँ। आपने मेरा RSI का वीडियो भी देखा होगा। बाकी नॉर्मल लोग 70-30 यूज करते हैं और मैं 80-20 यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा थिंकिंग ऐसा है कि बाकी लोग जो यूज कर रहे हैं उससे थोड़ा आप अलग करोगे तो ही आपको प्रॉफिट आएगा। तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा, अगर आपने RSI का वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना एक बार। मैंने उसमें क्लियरली बताया कि 80-20 अगर आप यूज करते हो तो उसमें काफी इफेक्टिवली रिजल्ट आता है रादर देन 70-30 पैरामीटर्स। आई होप आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।